दिन की शुरुआत हो रही है हमारे जूस के साथ। हलीम सीड्स बीच में हैं और ये रहा हमारा रेड जूस। इसको अभी हम लेंगे, पियेंगे। ओके, हाय गाइस, इट्स अ संडे मॉर्निंग और टफ़ी एज़ यूजुअल तंग कर रहा है और मैं शाल लेकर पाठ पूजा करके फटाफट रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी मामी से मिलने। बहुत टाइम हो गया एंड मेरे को गुड़गांव में काम भी है मेरे घर पे। सो यस, आज संडे है, सो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे कौन से इयरिंग पहनने हैं। सो आई हैव दिस पेयर बिकॉज समर्स में ना मेरे को फीलिंग आती है ऐसे, वो वाली फीलिंग कौन सी होती है कृष्णा, वो वाली फीलिंग झुमके वुमके पहनने वाली फीलिंग। सो आई हैव दिस पेयर। सो दोनों में से कोई पेयर मैच नहीं कर रहा है इस आउटफिट के साथ, इस कुर्ती के साथ। सो सोच रहे हैं हम क्या पहने। सो आई गेस वी कैन वेयर दिस वाला इयरिंग, दिस इयरिंग। सो हम ये पहन रहे हैं। सॉर्टेड खत्म। दिन पर दिन तुम समझदार हो गए हो। इधर आओ बहन, इसमें मेरी नोज ड्रॉप डाल यार, सारा सामान डाल। मैं निकलूं, मामी फिर वेट कर रही होंगी। ये रहा। हाँ, आँखें मैं ये पहन रही हूँ, ठीक है। फैशन ब्लॉगर बन जाओ तुम भी, हैं संजना रानी। आँखें मेरी हर जगह, ठीक है। पावर बैंक चाहिए होगा बेटा, रात हो जाएगी आते हुए। थोड़ा सा सामान लेना मार्केट से। ओके, सो हम बहुत ही कम मेकअप करेंगे। सो बीबी क्रीम बहुत ही नामात्र जितना हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आपकी स्किन अच्छी हो ना डाइट से, तो आपको इतने ज़्यादा मेकअप की ना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मुझे लगता है। आपका बेस अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपको मेकअप की आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ेगी। कंसीलर, फाउंडेशंस, पाउडर कवर करने के लिए, अंडर आई कवर करने के लिए। अच्छे से सो जाओ, काम अपना टाइम पर निपटाओ। कसम से कह रही हूँ, किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। आपके मंथली साइकिल्स अच्छे से आने चाहिए। अगर मंथली साइकिल्स अच्छे से आ रहे हैं तब तो आपका पूरा बॉडी ठीक रहेगा। ओके, सो दैट्स इट, इतना ही कवरेज काफ़ी है मुझे। आई लव पिंक लिपस्टिक्स। सो हियर आई हैव वन शेड, दिस वन इज़ द अनदर शेड। दोनों को मिक्स करके लगाएंगे। This one is really gorgeous. इतनी सारी खर्च और मैस मचाने के बाद मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। और यस, चला चला चला, कुछ तो दे बहन, ये अच्छी लग रही है। ये बहन वो अच्छी लग रही है। ये दियो मैंने जनपद से ली थी 3-4 साल पहले, एक बार नहीं पहनी होगी। हाँ, ये मेरे को अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल अच्छी है। चलो 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 चलो, टफी बाय। टफी फुल इग्नोर कहता अपना काम कर बेटा। इसको जब खाना वाना देगी मेरे को मिस्ड कॉल मारियो, मैं कैमरा खोलूँगी। है मेरे सामने, कैमरे के नीचे रखियो, इधर उधर मत रखियो, ठीक है। ओके, सो मैं वेट कर रही हूँ संजना की। वो मेरी विटामिन D3 की गोली लेकर आ रही हूँ, मैं भूल गई ऊपर। दे दे बच्चे। हाँ, रुक जा। परफेक्ट। ये पुराना गुड़गांव है, ओल्ड गुड़गांव, और यहाँ इस जगह से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन बीता है मेरा तो इन सड़कों पर ना। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था मैंने यहाँ पे। स्कूल का सब यहीं से था पूरा। ये मेरी नानी की का एरिया है और ये गलियाँ इतनी छोटी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ी चलाना एक तरीके से टास्क है। तो मैं कुछ पार्किंग की जगह देखती हूँ एंड फिर बताती हूँ। मैं यूजुअली यहाँ पे पार्क करती हूँ 10 गली में, ये साइड में मेरा गाड़ी है, इस गेट के आगे आ रहा है। सो मैं आंटी जी से परमिशन लूँगी कि मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकती हूँ 1 घंटे के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं। और मैं सुबह आजकल जा रही हूँ बॉक्सिंग क्लासेस पे और डांस क्लासेस पे। सो मुझे भूख लगती है सुबह, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या खाऊँ। सो मैं एक लड्डू बनाने के चक्कर में हूँ, फ्लेक्सीड और कोकोनट लड्डू। सो मुझे लगा उसकी रेसिपी मैं आपको भी शेयर करूँ, जो कि एक प्री वर्कआउट। सो अभी हमने एक कोकोनट मंगाया है, कहाँ से हमने मंगाया है, वहाँ से सब्ज़ी मंडी से। काम कर कर के ना आज पागल हो गई हूँ, बतेरी कॉल्स थी आज मेरी। सो दे दे। सो अभी मैं बनाऊँगी लड्डू और मैं दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे हम लड्डू। सो यस, डीट है ये भी ना, नारियल मेरे कुछ डीट क्लाइंटों की तरह। ओके, तफी सो जा बेटा, सो जा, कुछ खाने को नहीं मिलने का। इसको फ्रिज में लगा दे, मैं सुबह पीऊंगी वाला पानी। हाय राम, ये तो बड़ा डीट है यार। मेरी एक क्लाइंट थी बिल्कुल उसके जैसा, ये बिल्कुल डीट है एकदम। तो गरी हमने पूरी निकाल ली है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे मैंने डाल दिया पानी गरम गरम। और अब ये जो गरी है ये हम इसमें डालेंगे, क्योंकि मुझे गरी कद्दूकस ही करनी है, लाइक ग्रेट करनी है। इसमें मैं मोटे मोटे पीसेस कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ओके, अब इसको हम इसमें रख देंगे गर्म पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है टफी, ठीक है। सो पॉइंट है इसके, हम में से किसी के बस की नहीं इसको ग्रेट करना। तो हमने सॉल्यूशन निकाला है, हम मिक्सी का इस्तेमाल करके इसको बिल्कुल ग्राइंड कर देंगे अच्छे से। चलो इसको मैं छोटा छोटा कट करके, मेरा बच्चा अगर हुआ मेरे थ्रू तो भैया बड़ा खतरनाक पैदा हो गया। तो इसको देख कितना बिगड़ा हुआ है ये, हर देख कोई देख के बोलता टफी के बारे में इतना बिगाड़ रखा है। डॉक्टर मेरे को धमकाता है, पता है, इसका डॉक्टर मेरे को धमकाता है, कहता है अपने बच्चे को बहुत ओवर पैम्पर्ड कर रखा है, बिगाड़ रखा है। हॉस्पिटल में अपने से लेबरा से लड़ रहा है, तो इसको बोलो इसकी हाइट देखे। बेटा थोड़ा सा पानी दे दे, ये ऐसे ब्लेंड नहीं होगा, गर्म पानी दे दे थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा। बस हो गया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लूँगी मेरा देसी घी 1 चम्मच, और ये रहा मेरा नारियल। टफी मांग रहा है नारियल, उसको खुशबू आ गई है। सो ये रहे मेरे पास फ्लेक्सीड पिसे हुए। सो ये मैं यहाँ पे डाल दूँगी, मेरा फ्लेक्सीड पिसा हुआ। रॉ फ्लेक्सीड खाए बिल्कुल नहीं जाते, बड़े मुश्किल से खाए जाते हैं। और मॉनसून हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है सबका, तो हेयर फॉल रोकने के लिए भी फ्लेक्सीड बड़ा काम आता है भाई साहब। तो हम तो फ्लेक्सीड के लड्डू बना के खा लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी मेरा कोकोनट। ओके, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा खांड। थोड़ा सा घी मैं यहाँ पे और डाल रही हूँ। सो अब ये बन चुका है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इसमें ठंडा हो जाएंगे जल्दी। किसके फोन बज रहे हैं इस समय? बैच में नहीं लेना बेटा, बैच में नहीं लेना, इनको बैच में नहीं लेना। बहुत तंग करा था इन्होंने, मुझे बहुत तंग करा था। नाम ही सेव है नेवर के नाम से। हाँ नेवर मतलब कि ये प्राणी कभी जिंदगी में हमको दोबारा टकरेंगे तो हमने अपना समय नहीं ज़ाया करना जो हम पहले कभी कर चुके हैं। सो ये हमारा, हम इसको ठंडा करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा करेंगे। टफी माल इधर है, ये देखो माल इधर है, यहाँ नहीं है, इधर है माल, हमारे पास है बेटा। चटनी की तैयारी हो रही है सुबह की। ओ बेटेगी, अच्छा सबसे शरारती बच्चे को चाहिए सबसे पहले ना। आपका नहीं है, आपका नहीं, आपके खाने में हमने कभी हाथ डाला है? ओके, ठंडा हो चुका है काफ़ी बढ़िया। सुबह मुझे जूस के साथ दे दियो लड्डू एक। नहीं, जूस जूस जूस। हमने होममेड प्रोटीन पाउडर भी बना रखा है। और ऐसे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गई थी और वहाँ पे जाते जाते ये मिक्सचर जो था मेरा ठंडा हो गया और मैंने बहुत सारे लड्डू बना लिए हैं। सो ये रहे लड्डूस और ये रेडी हैं। अब कल सुबह हम इसको खा के जाएंगे जिम बॉक्सिंग करने। यस